कल चार सूत्रों पर विचार किया गया था, अत योगानुशासनम, परंपरा प्राप्त योग पर अब विचार करते हैं, फिर योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः, योग का अर्थ है चित्तवृत्तियों का निरोध, निरोध हो जाने पर तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानम, तब दृष्टा की अपने रूप में स्थित हो जाती है, और जब वृत्तियां रहती हैं तब वृत्त के अनुरूप दृष्टा अपने को महसूस करता है। जैसी जैसी वृत्ति होती है वैसे वैसे मानता है कि मैं यही हूं। इन चार सूत्रों पर विचार किया गया था, वृत्तय पंचतय क्लिष्टा क्लिष्टा है। वृत्तियां पांच प्रकार की होती हैं, जो क्लिष्ट और अक्लिष्ट होती हैं। इन्हीं वृत्तियों के पांच प्रकार हैं। उन प्रकारों में दो भेद हैं, क्लिष्ट वृत्ति होना और अक्लिष्ट वृत्ति होना। इसका विवरण आगे अपने आप आएगा। प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृत्य, ये पांच वृत्तियां, प्रमाण वृत्ति, विपर्य वृत्ति, विकल्प वृत्ति, निद्रा वृत्ति और स्मृत वृत्ति। प्रमाण सांख्य योग दर्शन में तीन माने गए हैं। इसके भाष्य में बताया गया है कि भारतीय परंपरा में कुल आठ प्रमाण माने जाते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम यानी शब्द, उपमान, अर्थापत्ति, एति, संभव और अभाव। लेकिन प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम में अन्य सभी समाहित हो जाते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण पहला है, प्रत्यक्ष के आधार पर ही सारे प्रमाण स्थिर होते हैं। प्रत्यक्ष क्या है? प्रत्यक्ष है जो इंद्रियों के सामने हो और मन जुड़ा हो और उस समय जो ज्ञान हो वो प्रत्यक्ष है। आंख, नाक, कान, जीभ, चाम, ये पांच ज्ञान इंद्रियां, इनके सामने जो विषय हो और मन उसमें जुड़ा हो वह ज्ञान प्रत्यक्ष है, स्थिर होते हैं। प्रत्यक्ष क्या है? प्रत्यक्ष है जो इंद्रियों के सामने हो और मन जुड़ा हो और उस समय जो ज्ञान हो वो प्रत्यक्ष है। आंख, नाक, कान, जीभ, चाम, ये पांच ज्ञान इंद्रियां, इनके सामने जो विषय हो और मन उसमें जुड़ा हो वह ज्ञान प्रत्यक्ष है। आंख के सामने कोई चीज दिखाई देती है और मन भी वहां है तो प्रत्यक्ष ज्ञान है, और मन नहीं है तो प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं। आंखों से देखते हुए भी मन अनवस्थान है तो देखी हुई चीज का पूर्ण अनुभव नहीं होगा। कान से हम सुन रहे हैं लेकिन मन अलग है, तो सुनी हुई बात समझ में नहीं आएगी। विषय इंद्रियों के सामने हो, साथ साथ मन लगा, तब हमें विषयों का ज्ञान होता है।
प्रत्यक्ष में जो कुछ भी सुनाई दिखाई दिया, सूंघने में आया, छूने में आया, सुनने में आया, वो प्रत्यक्ष है, उनकी वृत्ति बनती है। जैसे हमने दो व्यक्तियों को लड़ते देखा या आंखों से देखा तो उसकी वृत्ति बन जाएगी, पीछे से याद होगी दो व्यक्ति लड़ते थे, दो की मित्रता देखी उसकी वृत्ति बन जाएगी, उनमें बड़ी मैत्री थी। गाड़ी लड़ते देखा, कीचड़ देखा, स्वच्छता देखी, कोई चीज खाई बड़ी स्वादिली थी और कोई चीज खाई ठीक नहीं थी, अच्छी नहीं लगी। पांचों इंद्रियों द्वारा पांचों विषयों का जो ज्ञान होता है उसकी वृत्ति बनती है। उन वृत्तियों में एक क्लिष्ट होती है, एक अक्लिष्ट होती है। क्लिष्ट का मतलब जो क्लेश दे, अक्लिष्ट का मतलब जो क्लेश न दे। कुछ देखे और देख करके मोह बढ़ा तो वो क्लिष्ट वृत्ति है, और दूसरे समय जब याद होगी तो मन परेशान होगा। कोई चीज खाए, खाने में राग बढ़ गया, स्वादीला लगा और मन उसी में जमा दिया। स्वाद वो तो आता जाता रहता, स्वाद हर पदार्थ में है। तंबाकू में कौन स्वाद है, लेकिन तंबाकू खाने वालों को तंबाकू बहुत प्रिय है, जिसमें आदत बना लो। जहां अनुकूल स्वाद की अनुभूति हुई और मन उसमें लगाया गया तो पीछे से उसकी याद सताएगी, क्लिष्ट वृत्त हो जाएगी, परेशान करेगी। और जिसकी याद से मन में कोई परेशानी नहीं आती है वो अक्लिष्ट वृत्ति है। आत्मा जिसको देख करके और वैराग्य बढ़ा, देख कर सुनकर सूंघ कर और वैराग्य बढ़ा तो अक्लिष्ट वृत्ति। एक रमणीय भवन देखा और मन में मोह हो गया, ऐसे भवन मेरे होता, तो पीछे से चित्त में वो सताने लगी वो याद, ऐसे भवन हो, ऐसे भवन हो, ऐसे भवन हो, तो एक क्लिष्ट वृत्त हो गई। एक टूटा हुआ मकान देखा, वैराग्य बढ़ा, देखो जब भी बना होगा कितना सुंदर रहा होगा, आज बेकार है, ऐसे सब नाशवान है। एक बूढ़े को देखा, रोगी को देखा, ऐसी दशा मेरी होगी। तो इस प्रकार जिन जिन दृश्यों के देखने से मन में राग बढ़े, द्वेष बढ़े, क्रोध बढ़े, लोभ बढ़े, मोह बढ़े, वो क्लिष्ट वृत्ति, ऐसी वृत्ति जो बनती है। दूसरी वृत्ति बनती है वैराग की, नश्वरता की, वितृष्णा की, तो वो अक्लिष्ट वृत्ति है। उसमें कोई क्लेश नहीं होता बल्कि चित्त में शांति मिलती है। ये प्रत्यक्ष के संबंध में है। अनुमान दूसरा प्रमाण है। अनुमान अनुमान भी प्रत्यक्ष साधित होता है। प्रत्यक्ष न हो तो अनुमान नहीं होगा। जैसे ये जगत प्रत्यक्ष है तब इसको देख करके आदमी कल्पना करता है कौन बनाया होगा। धुआं हम देखते हैं तो कल्पना करते वहां आग जलती होगी, तो प्रत्यक्ष के आधार पर ही अनुमान होता है। अनुमान की भी वृत्ति बनती है। जिस चीज का ईश्वरादि का अनुमान कर लिया इंसान तो उसकी वृत्ति बन गई। सातवें लोक में कल्पना कर लिया उसकी वृत्ति बन गई, और उसमें भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट होती है। अनुमान करके स्वर्गादि की कल्पना कर ली गई, अब उसके तरफ मन ललकने लगा तो क्लिष्ट वृत्ति हो गई, और उसके प्रति उदासीनता हुई किसी भी अनुमान के आधार पर,
विचारों में वैराग्य बढ़ा तो अक्लिष्ट वृत्ति होगी। जिसमें खिंचाव ना हो अक्लिष्ट वृत्ति, जिसमें खिंचाव हो क्लिष्ट वृत्ति। और कोई भी ज्ञान होगा तो उसमें वृत्ति बनेगी क्लिष्ट या क्लिष्ट। शब्द प्रमाण जो आगम कहते हैं, शब्द हम ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसमें वृत्ति बनती है। ग्रंथों में पुराणों में आया है स्वर्ग की कल्पना, सुंदर सुंदर स्त्रियां और भोग ऐश्वर्य। अब ये पढ़ करके मन में क्लिष्ट वृत्ति बनेगी। और ज्ञान वैराग की बात जब ग्रंथों में पढ़ा गया तो उसकी अक्लिष्ट वृत्ति बनी। तो शब्द प्रमाण में भी वृत्ति बनती। जो कुछ हम शब्द सुनते या पढ़ते हैं उसमें वृत्ति बनती। और जो जो वृत्ति उद्वेग उत्पन्न करे वो क्लिष्ट वृत्ति है। और जिसको याद करके कुछ परेशानी ना हो वो अक्लिष्ट वृत्ति है। इस प्रकार प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम ये तीन प्रमाण हैं। प्रमा कहते हैं ज्ञान को, प्रमाण कहते हैं जिससे ज्ञान ठीक से हो। उदाहरणों से ज्ञान ठीक से होता है, इसलिए प्रमाण में हमारी वृत्ति बनती है। जो प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम ये तीन है। दूसरी विपर्य वृत्ति है, प्रमाण वृत्ति हो गई विपर्य वृत्ति। विपर्य का मतलब होता है उल्टा। विपर्य मिथ्यागानम अतत रूप प्रतिष्ठम। विपर्य है मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान का मतलब है सही ज्ञान न होना। जैसे सीपी को देख करके चांदी का ज्ञान हुआ तो ज्ञान तो क्या हुआ, भ्रम हुआ। रस्सी को देख करके सांप का भ्रम हुआ। जेट की धूप की लहरियों में पानी बहता हुआ लगा तो ये मिथ्या ज्ञान है। ये अतद्रूप प्रतिष्ठा है, तद्रूप प्रतिष्ठा नहीं है। तद्रूप प्रतिष्ठा यानी सीपी में चांदी रूप की प्रतिष्ठा नहीं है, धूप की लहरियों में पानी रूप की प्रतिष्ठा नहीं है, रस्सी में सांप रूप की प्रतिष्ठा नहीं है, अतद्रूप प्रतिष्ठा, तद्रूप प्रतिष्ठा नहीं है। वह चीज वहां नहीं है, भ्रम होता है कि ऐसा है, इसकी वृत्ति बनती है। ये विपर्य वृत्ति है, विपर्य ज्ञान होता है। थोड़ी दूर पर बैठा होता है व्यक्ति और बिल्कुल दिन रहता है और थोड़ा सा दूर बैठा है तो पहचाने में नहीं आता है कि आदमी कौन है। और एक आदमी के चेहरे में दूसरे आदमी के चेहरे की कल्पना हो जाती है। ये तद्रूप प्रतिष्ठा है, तद्रूप प्रतिष्ठा नहीं है। ऐसे ये तद्रूप प्रतिष्ठा है, तद्रूप प्रतिष्ठा नहीं है। ऐसे अनेक चीजों में भ्रम होता है, ये विपर्य ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। और ये भी सब समय 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 से होता रहता है, इसकी वृत्ति बनती है। इसमें क्लिष्ट क्लिष्ट दो प्रकार की होती है। जैसे मान लो काम भोग है, अब काम भोग में सुख की जो प्रतिष्ठा है वह तद्रूप प्रतिष्ठा है, क्योंकि काम भोग में आदमी उत्तेजित हो जाता है तो अपनी स्थिति से वैसे नहीं रह गया, हड़बड़ा गया। और दूसरे की कामना हुई, अपने आप में स्वतंत्र नहीं रहा और उसमें उलझा, मलिन हुआ, शक्ति क्षीण हुई, पश्चाताप हुआ, गंदगी आई। अब अगर इसमें वृत्ति बढ़ गई तो शारीरिक क्षीणता बढ़ेगी। तो इसमें जो सुख की प्रतिष्ठा हम मानते हैं काम भोग में, अदद रूप प्रतिष्ठा है, वास्तविक नहीं है।
और उसी के बाद सारी गुलामी है। इसमें पड़ा इंसान फिर तो श्रृंखला पीछे पड़ गई, गुलामी करते करते जिंदगी भर नाक रगड़ जाएगी। तो अदद रूप प्रतिष्ठा है, तद्रूप प्रतिष्ठा नहीं है। सुख वह है जिसके परिणाम में शांति हो, और जिसके परिणाम में शांति हो सुख कहां? शरीर मिथ्या है यह मानना अदद रूप प्रतिष्ठा है। शरीर मिथ्या नहीं है, शरीर है, क्षणिक है, परिवर्तनशील है, ठीक है, लेकिन ये मिथ्या नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा विचार करता है तो इसमें अक्लिष्ट वृत्ति उत्पन्न होगी, यानी बंधन कटेगा। शरीर मिथ्या है ऐसा मान करके बंधन कटेगा, तो विपर्यय वृत्ति में भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट है। विपर्यय वृत्ति आएगी तो उसमें क्लिष्ट भी है, अक्लिष्ट भी है। शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य विकल्प है, ये तीसरी वृत्ति है जो विकल्प है। विकल्प का लक्षण क्या है? शब्द ज्ञानानुपाती, शब्द का अनुपतन होना, पढ़ना, अनुपतन होना, पढ़ना, एक के दूसरे, एक के बाद दूसरा पढ़ते जाना अनुपतन है। यानी शब्द 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 से कोई बात की सिद्धि हो और उसका तथ्य कहीं ना हो, जिसे प्रेत भूत चुड़ैल शब्द हैं और कुछ नहीं, लेकिन वो शब्द शब्द से दिमाग पर इतना शब्द पड़ गए हैं कि मन में भ्रम खड़ा हो गया है कि भूत प्रेत है चुड़ैल है। यह विकल्प वस्तु शून्य, ऋषि कहते हैं वस्तु शून्य है, यानी वस्तु है नहीं, शून्य कुछ भी नहीं, केवल शब्दों के जोर से एक धारणा बन गई और उसमें क्लिष्ट अक्लिष्ट इसमें भी आएंगे। अनुपस्थित होने पर भी, अब जैसे कि स्वर्ग है, स्वर्ग कुछ नहीं है, केवल शब्द शब्द है, नाना मतों के ग्रंथों में स्वर्ग की का बड़ा बड़ा वर्णन है, केवल शब्द शब्द है, लेकिन उसके लिए कितनी तैयारी लोग करते हैं। और कल्पना करने से उधर कल्पना करो तो मन वासना वासित हो जाएगा। ईश्वर पूर्ण काम है, मेरे चारों तरफ फैला है, सच्चा आनंद है, ये भी वस्तु शून्य है, लेकिन इससे मन निर्मल हो सकता है। चारों तरफ एक तत्व फैला है जो सच्चिदानंद है, दुखहीन है, मेरे ऊपर वो करुणा करता है, तो एक मन में आनंद की भावना होगी। यद्यपि वो है नहीं, वस्तु शून्य है, शब्दों के शब्दानुपाती मात्र है, लेकिन इसमें अक्लिष्ट वृत्ति उत्पन्न होगी। और कहीं इसी के आधार पर रह गया कि अब हमारा काम कर देगा तो क्लिष्ट वृत्ति हो जाएगी, क्योंकि कोई काम करने वाला नहीं है, तो है कोई काम करने वाला नहीं है, तो है तो विकल्प वस्तु शून्य, लेकिन क्लिष्ट अक्लिष्ट वृत्ति उसमें होती है। ये बिल्कुल मनोवैज्ञानिक अभाव प्रत्यय आलंबना वृत्ति निद्रा। अभाव जहां कुछ न हो, प्रत्यय नाम ज्ञान, आलंबना आधार, जिसके आधार से अभाव का अनुभव वो निद्रा वृत्ति। निद्रा वह वृत्ति है जिसमें अभाव का अनुभव होता है, कुछ पता नहीं रहता। शास्त्रकारों में केवल कपिल जी महाराज ने निद्रा को वृत्ति मानी, बाकी लोगों ने सुसुप्ति कहा, निद्रा सुसुप्ति।
लेकिन इन्होंने वृत्ति मानी है। निद्रा भी एक वृत्ति है। जब हम नींद से उठते हैं तो कहते हैं सुख से सोए, तो वृत्ति को अनुभव हुआ सुख से सोने का, तभी तो कहा। उस समय नहीं कह सकते थे क्योंकि उस समय साधन नहीं था कहने का। जैसे कुएं में कोई वस्तु पड़ गई है और निकालने जाए और हाथ में लग जाए वो वस्तु, तो भी कह नहीं सकता। कह सकता है जब पानी के ऊपर आए। तो सोते समय ज्ञान तो हुआ, सभी के अभाव का सुख इन कह नहीं सकते, जाग के कहेंगे। ऐसा भी लोग सोते हैं, सो करके जागते हैं तो कहते हैं कि नींद अच्छी नहीं लगी, चित्त चंचल है, क्लेश है। तो ये जानकर की कहा गया। कुछ लोग कहते हैं नींद तो कि नींद अच्छी नहीं लगी, चित्त चंचल है, क्लेश है। तो ये जानकर की कहा गया। कुछ लोग कहते हैं नींद तो लिया लेकिन भारी भारी लगता है शरीर, तो ये तम प्रधान है। कुछ लोग जाग करके किसी समय कहते हैं बड़ी प्रसन्नता है, मन हल्का है, शरीर हल्का है, तो ये सात्विक वृत्ति है। तो सात्विक राजस और तामस वृत्तियां नींद में भी प्रभाव करती हैं, इसलिए निद्रा एक वृत्ति है और क्लिष्ट क्लिष्ट भी है। जिस निद्रा के बाद मन में तम प्रधानता हो, रज प्रधानता हो, क्लिष्ट है, और जिसमें सत प्रधानता हो वह क्लिष्ट है। इस प्रकार ये चार वृत्तियां हुई। अंतिम पांचवी वृत्ति है अनुभूत विषय असंप्रमोश स्मृति। स्मृति एक वृत्ति है, स्मृत नाम याद हो जाना। तो जो हमने प्रमाण वृत्त से संस्कारों का संग्रह किया है, विपर्य वृत्त से, विकल्प वृत्त से, निद्रा वृत्त से संस्कारों का संग्रह किया है, उन सब की बातें समय समय से याद हो जाती है। और एक समय में जो स्मृत बन गई है उसका पुनरागमन भी होता है, फिर वो आता है। इसलिए जो अनुभूत विषय है, जिसका अनुभव हमने कर लिया, देखकर, सुनकर, भोगकर, तीन से अनुभव होता है, देखकर, सुनकर, भोगकर, तो इस विषय का असंप्रमोश इसमें विवरण अच्छी तरह से दे दिया गया। मुस कहते हैं चुराने को, इसीलिए मूसक, चुराने वाले को मूसक कहा जाता है। प्रमोस, संप्रमोस, अच्छी तरह से चुरा लेना, आ लगा दिया गया तो उल्टा हो गया। असंप्रमोस, बिल्कुल न चुराना, बिल्कुल न छिपना। जो कुछ हम देखे सुने भोगे होते हैं और प्रमाण विपर्यय विकल्प और निद्रा वृत्तियों से जो कुछ ग्रहण होता है वो समय समय से असंप्रमोस हो जाता है, उद्घाटित हो जाता, छिपता नहीं, न छिपना। असंप्रमोश का अर्थ हुआ न छिपना, खुल के आ जाना, ये स्मृत वृत्ति। जो कुछ हमने देखा सुना भोगा है समय से याद हो जाएगा। 50-50, 60-60 बरस की पुरानी बातें अचानक याद हो जाती हैं मनुष्य के मन में। अगर कोई 100 वर्ष का है 90 वर्ष पुरानी बातें याद हो जाएंगी। तो ये जो असंप्रमोश है, न छिपना है, ये अस्मृत वृत्ति, ये बहुत मनोवैज्ञानिक विषय है। सब बिल्कुल तथ्य, कोई धारणा नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है, ये मनुष्य के जीवन के अस्तित्व का बोध है। न छिपना, इसीलिए बड़ी सावधानी से काम करना चाहिए। गलत करोगे तो कचोट शुरू होगी। गलती करते समय तो जोश रहता है,
आदमी जो उसमें करता है, लेकिन जब अकेले में बैठता है, लेटता है, या अकेले रास्ते में भी चलता हो, अकेला हो जाए, तब स्मृतियां आती हैं। अब अगर वो क्लिष्ट वृत्तियां हैं तो दुख आती हैं, अक्लिष्ट वृत्तियां हैं तो आनंद देती हैं। इसमें भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्ति होती है। कुछ कुछ ऐसी स्मृतियां हैं कि दिमाग में आते ही उद्वेग हो जाएगा, परेशान हो जाओगे, और कुछ ऐसी स्मृतियां हैं दिमाग में आती एकदम बड़ा बड़ा आनंद, बड़ी शांति। तो क्लिष्ट अक्लिष्ट ये वृत्तियां, इन पांचों वृत्तियों में क्लिष्ट और अक्लिष्ट होती है, और ये भी सब तथ्य है। इस प्रकार प्रमाण वृत्ति, विपर्य वृत्ति, विकल्प वृत्ति, निद्या वृत्ति, स्मृति वृत्ति। प्रमाण वृत्ति जो इंद्रियों द्वारा, मन सहित इंद्रियों द्वारा हमने जाना है वो प्रत्यक्ष, और जो अंदाज से जाना है वो अनुमान, जो वाणी से जाना है वो आगम यानी शब्द प्रमाण। इस प्रकार प्रमाणों से वृत्तियां बनी, विपर्यय उल्टे ज्ञान से वृत्तियां बनी, विकल्प जो वस्तु शून्य है लेकिन शब्दों के जोर से दिमाग में भरा है उसकी वृत्ति बनी, निद्रा की वृत्ति बनी। ये सारी वृत्तियां अस्मृत के रूप में आती, और आज की अस्मृत दूसरे दिन भी अस्मृत होती है, तो इसलिए अस्मृत भी वृत्ति है। ये सब में क्लिष्ट अक्लिष्ट है। इन सब की औषध क्या है? अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। अभ्यास और वैराग से इसका निरोध होता है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तत् निरोध। अभ्यास वैराग से इन सब वृत्तियों का निरोध होगा। अभ्यास है रोज रोज प्रैक्टिस करना, वैराग्य है दृश्यों से उदास अनासक्त रहना। अभ्यास उतना काम नहीं करता है जब तक वैराग नहीं बढ़ता। अब अखंड वैराग्य हो तो अभ्यास है, अखंड वैराग में तो हरदम समाधि। वो अभ्यास करते करते वो दशा आती है, एक तो वैराग होता है कि जो उत्तेजक होता है, और देख सुन करके विचार करके विवेक करके आरंभ में होता है, और उस उत्तेजक वैराग से बड़ा लाभ होता है। लेकिन अस्थाई वैराग निरंतर साधना द्वारा जब अविद्या वृत्ति का नाश होता है, मन में जो अविद्या उस अविद्या का नाश होता है, तब अखंड वैराग्य होता है। अविद्या की बात आगे समय से आएगी, विपरीत समझ अविद्या उसमें विस्तार से बताया गया है। तो अविद्या वृत्ति जब तक नहीं मिटेगी तब तक मन बिल्कुल निर्मल नहीं हो। साधना द्वारा, अभ्यास द्वारा, निरंतर विवेक वैराग अभ्यास के बल से अविद्या समाप्त हो जाती। जब अविद्या समाप्त हो जाती है तो उत्कट वैराग्य हो जाता है। और ये दोनों अभ्यास भी करते करते बढ़ता है, वैराग भी करते करते बढ़ता है। अगर कोई समुचित साधना को लेके चले तो बढ़ेगा, और गलत में पड़ जाएगा तो फिर घट जाएगा। वैरागवानों की संगत, समय समय से सदग्रंथों का रोज अध्ययन, अकेले में बैठ करके चिंतन मनन ध्यान, ये रोज कोई करा, फिर साथ साथ सेवा, सद्भाव, शील, करुणा, सब सद्गुणों को लेके जो चलेगा वैराग बढ़ता जाएगा। संत संग छोड़ देगा, सदग्रंथ अध्ययन छोड़ देगा, क्रूरता अश्लीलता लोभ मोह बढ़ जाएगा, विकारी हो जाएगा। इसलिए निरंतर अभ्यास करते करते अभ्यास वैराग दोनों प्रदीप्त होते हैं। अभ्यास और वैराग से इसका निरोध होता है। अभ्यास सकारात्मक है, वैराग नकारात्मक। अभ्यास, मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य हूं,
ये भाव लाना, वैराग विषय मेरे नहीं ये दुखपूर्ण है, ये वैराग। गंगा जा रही है पूरब को, अगर पूरब पानी न जाए मकसद है तो गंगा के साइड में एक नहर, बड़ी नहर निकालना है, और गंगा के बीच में आड़ी आड़ी एक बांध बांध देना है जमीन के बराबर, तो आगे धारा जाना रुक जाएगी, साइड में नहर में पानी चला जाएगा। मन हमारा सांसारिकता की तरफ जा रहा है तो उधर से वैराग का बांधो।